आवतन जी जी रुकिना खाना खा ली। अरे ओ हो अच्छा ई बताओ हमनी के शादी हो गई फिर भी हमारा के जीजा काहे कहत रह। शुरू से कहले बा आदत बाटे ना तो आदत के चेंज कर। अच्छा ठीक बा कहां चल गेलो आवतन रुक खाना खा तन रुक चलाई ना चलो ठीक बा काट काट मतलब भैया छोटका कहां गेल बड़न हेकर चाचा कहां गेल बड़न आज भैया छोटका हां ओ एने घूमत रहलन हमेशा घरे का बड़न निकलन है। हां बात तो सही बात है। का होता अकेले ही वाला लीडर खोल जाता का करी? का करी आ कहां रहता नहीं जी दिन भर घर में खोले लेकिन वो मिलत नहीं की घर में जान बुझ के नहीं रह जात। तू तो जान तरु ना काहे कि हमरा तारा की जब देखे नहीं हमरा रहा मर जाता इस अकेला में आराम से आई के ये बैठा रहे साइड में। अच्छा एगो बात बोली ऐसे जिंदगी कितना दिन चली है 2 महीना से हमेशा जी अली से हम हमेशा दूर रहनी। अच्छा वो एगो मर्यादा में रहनी कि चलो हमारे कुछ भी हो तो साली रहे लेकिन वो कितना दिन आजकल देखे नहीं कि जी अली बहुत हमारे पास आवे की कोशिश करे नहीं। देखी रउआ सच बता दी आ तो हम बता दें रउआ जान दे लेकिन हम रउआ सिवाय के और से शादी नहीं कर सकब और जो किस्मत में रहे तो हो गई आज माहौल भी सब सही हो गई बा बता दी ना रउआ। बताओ बहुत हमारे पहाड़ लागत यार कैसे बताई भैया के यार कुछ नहीं के समझ में आवत चाहत अब जैसे ही कटत आना ओकरा भी रोवा ना समझ में आवत रहे और यही से हमार जिंदगी बर्बाद हो गई यही जा तक पहुंच गनी अगर अब ना बताए तो और ही जिंदगी हमार खराब और बर्बाद हो जाई। कोनो ना कोनो कदम रोवा उठावे के पड़ी चाहत कदम हम उठा लेते लेकिन बात पड़ जाता परिवार के यह कहीं और शादी भ रही तो करे होखे ना देते। ओ तो हम तो ओहू बेरा नु कहनी कि का परी के ध्यान हम को खाली माई बन के रख सकता नहीं ओकर मौसी ओकर चाची ना रो किस्मत किस्मत जो लिखले बा ना अब एकर कोई टाल नहीं के सकत ये मजबूरी बा हमनी के अब हम का जानते हैं कि भौजी के डेट हो जाई और इतना जल्दी हमनी के कहा से का हो जाई जा थोड़ा सा बिना पता रे पगली हम का करी हमरा नहीं के तन को कुछ समझ में आवत। जब भी जीजा जी हमरा पास आवे हमरा बहुत खराब लागेला और हम कब तक उनका से दूर रहे आ दूर रह सके तनी बताए काल के वो सवाल उठा मुआ के सवाल उठावे से अच्छा बाकी रहुआ वो सवाल के जवाब पहले ही दे दी। अच्छा सुना हम हिम्मत जुटावत हैं ठीक बा और हम जरूर भाई से बात करते हैं ओके तू टेंशन मत ले बस अपना आपके खुश रखने की कोशिश कर ठीक है। ठीक है वैसे भी बाबू जी भावे लोग हम जाता नहीं खाना दे खाना खा के बा लाओ ना बहुत दिन हो गए बता रहा हूँ खेल से ये क्या होता है कैसे बताए भैया से कुछ समझ में नहीं क्या होता यार। अच्छा हिम्मत जुटाव था नहीं बतावे की कोशिश कर रहे ये भला दास का सोचो जाता का सोचे यार इतना मोहब्बत करके इतना प्यार करके हमने के कैसे दूर रहते हैं यार ऐसे नहीं हो सकत। अब हम ये सोचतनी कैसे भैया से बोली कैसे बोली कि हम भैया हमने के ऐसा ऐसा बात रहे लेकिन हम केवल शब्द नहीं के का बोली भैया से यार रुबो हमेशा कंफ्यूजन में रहे नहीं रुबो नहीं की बोल पाओ तो बोली हम बोल दी का ना बोला हम ही बोलब हमार बात मन में समझ में छोट भाई ने आई अगर गलती हुई तो माफ कर तू ना देखी हमने के ऐसे छुप छुप के बात करता है सब अगर जीजा जी देखे तो वहाँ के गलत ही लागी और हम हजार बार रो ऐसे कहते नहीं कि गलत सवाल करिए एकरा से पहले रुवे वहाँ के जवाब दे दी चाहत ये कोई इच्छा कर रहा का पूरा कर दू का बोली बहुत दिन हो गया बगल लगे चलो ठीक बा हम जाते नहीं बाहर और सुन आज शाम के जरूर भैया से बात कर और सुनीज तू मत बोलिए कुछ भी तू आराम आते से ओके ओके जाते हैं बाय। और दीदी ना देता दीदी तू हमरा हम ऐसा नजर आवे लू हाँ हम तो हर दीदी दीदी इक्का हो गई दीदी हम तो सोचने की तुम्हारा संगे रहे तो हर बहन तोरा संगे लेकिन का हो गई दीदी
बेटी के साथ रह जा। पता ना कौन हवा के झोंका हमर मत बन के आए कि हम कह रहे कि बुला दीजिए ओकरा के हम देख ली, लेकिन हम अपन बेटी के भी मुंह ना देख पाए। देखा तभी तेरी सारा जाते जाते जिंदगी हमरो तो हंस न हंस हो गई। आज हम शौक और सपना सजा के रखले रानी की तोहर ब्यादिन बन के तोहर गोतनी बन के तोरा घर में आए, और आज हम ऐसा जिंदगी के मोड़ पे बानी की तोहर सौतन बन के तोरा घर में बानी। लेकिन एगो बात जान लो दीदी, तू तो जान लो हम कि हम रंजीत से कितना प्यार करनी। आज तक हम जीजा जी के छुले तक नहीं खींचा है वो हमरा के, और आज भी हम रंजीत से उतना ही प्यार करनी दीदी। बहन हम जानत कि तू हमरा के बहुत त्याग कैले बड़, लेकिन अब जौन भइल तौन भइल, हमरे पति खाती हमरे बेटी खाती तोरा खुश रखे के परिवार जना के और अपने परिवार की इज्जत खाती। तू कहाँ कहो तारू दीदी, हम ठीक कहो तनी। हमार सपना रहे कि हम तोहर गोतनी बन के तोरे घर में रहे, तोहर सौतन ना। सपना हमार भी रहे कि तोरा के गोतनी बना के परेश के घर ले, लेकिन भगवान के मंजूर ना रहे भाई। हमरे के माफ करे दीदी, तू काहे माफी मांगो तारू, जिंदगी में तो हम गलती करो तानी। और शायद इस तू सही कहो तारू, अपना परिवार के इज्जत खातिर जब वो बेरा ना हम सोचनी ना आवाज उठनी कि ना हम जीजा जी से शादी ना करें, तो सच्चाई बात में आज हम ही का करतनी। तू हमरा के सिखा दलू दीदी, आ समझा दलू। अब रंगी ना सके तोरा से ही खुश बड़े, हमरा के तो यादो ना करे ले कहे ले कि हमरे खाते वो चल गए तो वो आ गए, लेकिन खुश रखियो भाई खुश रखियो दीदी। जिंदगी के काम ना भोगर में हम पास गए नहीं, लेकिन दीदी तू सही कहो सर, जब अपना परिवार और इज्जत खातिर शादी के समय ना सोचनी तो ये हम अनर्थ का करतानी। और अभी अनर्थ हमरा से ना हो दीदी, अभी हम जाते हैं जीजा जी के सच्चाई बता देवे अना तो रंजीत के समझावे। तू जहाँ भी रह दीदी खुश रह, और ये तोहरा दुनिया के आज से हमहू खुश रखम दीदी, हमहू खुश रखम। रंजीत हाँ भैया, कहाँ बड़े यार फिर उदास पहले तो कभी ना रहत रहिस का भइल बता का भइल। ऐसा कुछ बात नहीं है भैया, रे यार छुपावत रहे हमारा से, बोल ना का भइल। जब तक बतेबे ना तब तक बिया गई फाड़ में, पहले बताओ भैया तोरा हमरा से कुछ बात करे। यार तो बात करे के बाद तो बोले ला है, तना उदास काहे बैठल बड़े, बोल क्या मतलब। बुझाते नहीं है कि हम बात तोरा से कैसे बोली, बहुत डर लगा था भैया। काथी के डर यार, भाई से बोलोगे दूसरा से थोड़े, बोल क्या मतलब। ये भी तोहर हम बहुत इज्जत करनी, और तोरा सामने हम बात ऐसे बोली, हम पागल हो गई बड़े। बोल एकदम दिल खोल के बोल, हम दिल खोल के सुने पर तैयार बने। बोल तो भैया तोरा से वो बात कह चाहता नहीं। अरे पागल, हम भी तोरा से वो बात कह चाहता नहीं। बोलो जानते रहे बाबू, ये सब हमारा से काजल मरे से पहले बतौले रहे कि तू चाहत से बहुत प्यार कर। लेकिन क्या करी यार, जब से काजल छोड़ के गई बाबूजी के हमेशा हमेशा यह बात बोलत रहले बाबूजी कि बेटा तोर शादी कर देता नहीं। हम माना हमेशा करते रहे कि बाबूजी ना हम शादी ना करब, वो चाहत से बहुत रोके के कोशिश करने कि बाबूजी हम चाहत से शादी ना करब, लेकिन फिर भी बाबूजी ना मन। अब ओकरा चलते ओहलाचारी में छोट बच्ची के देखते बारे, वो बच्ची के लाचारी में बच्ची के मुंह में लेके वगैरह के पोसे खाती हमारे शादी करके पड़ल है। लेकिन सब कुछ हमारा के बदले रहे काजल के देखो के प्यार करे, और बहुत बहुत शुक्रगुजार बाकी भाई
बातें हमरों के समझल है ना, तो बताओ बच्ची कैसे पोसाई, कैसे ओकर लंबा जीवन कटी। कौनो बात ना भैया, देखा जौन होनी में होनी के कोई डाल लिख सकत, और तकदीर में जौन लिखा रहेला वो इंसान के वह मिलेला। लाख मोहब्बत प्यार खई नहीं, लेकिन हम कबो ना पा पाए भैया, प्यार के अक्षर ही अधूरा होला। कौनो बात ना भैया, और हम भी बहुत खुश रहने, लेकिन बस थोड़ा सा तकलीफ लगेला कि हम अपना प्यार के साथ में नहीं रह सक। क्यों बात ना भैया, हमार वाइफ ना सही, हमार भौजाई बहन के तबर घर में बाड़ी, और हमार भाई खुश, हमार परिवार खुश, और हमार सोन भरी खुश, तो हम भी खुश भैया। भैया माफ कर दिया भैया, हमारे माफ करे वाला कौन सवाल भैया, हम समझता नहीं तोरे यार दर्द, ओह लड़की के दर्द भी हम समझता नहीं। आज तक तुर प्यारे समझ के हम लड़की संगे कोनो गलत कदम तक ना उठे, नहीं कि तुर प्यार ही हमारे अंदर से हिम्मत ना कर लगे हम कोनो गलत कदम उठा ले, ये सोचे कि भाई के प्यार ही। लेकिन क्या करे के यार, ये तो भगवान ने हमने जरा ऐसा खेला रचा हुआ था ना भैया, हमारे पर भरोसा रखे भैया, अगर उनका से क्यों ना ऐसा गलत रिलेशन लिखे भैया, अरे आत्मा से प्यार करेंगे भैया। अरे कुछ नहीं यार, ते पागल लेकर सोच मत यार, कभी भी तोरा बारे में हम गलत सोच सकता नहीं क्या है, हमने के तो ऐसा भाई होने जाए यार कि ऐसा पूरा जगत में खोजला के ऐसा भाई ना मिले हमने के, ओ शिष्टाचार से व्यवहार से हर कुछ समझ के, एक दूसरे का फीलिंग समझ के घर में रह ना जाए, घर के मंदिर की तरह रख ले बने जाए। ऐसा कभी हो सकता क्या कि हम तोरा के ना समझ बैठी पागल कहीं के, चल चले जा, टेंशन तनिको दिल में ना रखे कोई, तनिको ना, चल। नमस्कार प्रणाम, एमआर भोजप्रिया के टोटली टीम बाटे, आप सबके प्यारा चैनल एमआर भोजप्रिया पे दिल से सही आशीर्वाद प्यार बनौले है, फिर से आप सबके सेवा में हमनी के एकदम जुट गई भैया पूरा टीम लॉकडाउन के बाद, और ऐसे ही दिल से आशीर्वाद प्यार बनौल रही। और बाकी चाचा जी, अगर हमने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला वीडियो देखे के बानू तो बेल आइकन घंटी बजाएं, काका और आंटी बजाएं, कमेंट करके बताएं हमने के वीडियो कैसा बा, और हमने के चैनल एमआर भोजप्रिया का सब्सक्राइब कर ली, और ऐसे ही हमने के टीम पर अपन प्यार आशीर्वाद बना ले रहे, कुछ गलती सही भाई लोग ही हाथ जोड़ के हमने के क्षमा चाहते हैं, और हमने के लास्ट में बोला जा जय।